जिन्होंने शरीर के ही दम पर प्रसिद्धि पाई, जिनको शरीर के ही नाते जानते हो, उन फिल्मी सितारों की जवानी की और बुढ़ापे की तस्वीरें देख लिया करो। देह क्या है स्पष्ट हो जाएगा, देह भाव से मुक्त होने का अच्छा तरीका है। कोई सुपरस्टार हो देख लो आजकल कैसे लगते हैं, 70 के दशक के किसी सुपरस्टार की आज की तस्वीरें देख लो, या उस जमाने की कोई तारिका हो उनकी आज की देख लो तस्वीर। उनमें से बहुत सारी तो आजकल तस्वीरें खिंचवाती ही नहीं, ला जाती है। पहले कहते थे कि अरे सुंदर त्वचा, आकर्षक मांस, देह, उभार, नाभि, इनसे आकर्षक क्या होता है। फिर बोले अरे खाल, इस खाल से क्या चूमा चाटी करनी, जिस खाल के ठीक नीचे मल, मवाद, पित्त, मूत्र, तमाम तरह की रज यही बैठे हुए हैं, बस वो दिख नहीं रहे हैं। इतनी पतली सी चमड़ी की चादर है, उस चादर के पीछे छुपा हुआ है मलमूत्र, इसलिए दिख नहीं रहा है। क्या चाटे जाएं उस चमड़ी को, चाटते वक्त ख्याल नहीं आएगा कि चमड़ी के ठीक पीछे क्या है। जिसको ये विचार आने लग गया वो कैसे अब देह भाव में जी लेगा बताओ। और किसी को तुम्हारी देह का पता हो ना हो, तुम्हें तो पता ही है। औरों से तो हम बहुत सारी चीजें छुपा जाते हैं, औरों के सामने आते हैं तो अपना आंख का कीचड़ पोंछ के आते हैं, नाखून काट लेंगे, गंदगी साफ कर लेंगे, भरी सभा में पाद भी मारेंगे तो जरा छुप के मारेंगे कि किसी को पता ना चले। पर तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी अभी तुमने कितनी बदबू फैलाई है, तुम्हें तो अपनी देह की औकात और असलियत पता है ना। औरों से छुपा लो, तुम्हें नहीं पता है क्या, बड़ी बेईमानी की बात है ना। दूसरों को रिझाने जा रहे हो देह दिखा के, और जिसको रिझाने जा रहे हो उससे मिलने से ठीक पहले गड़गड़ 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 माउथ फ्रेशनर किया है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू उठती है, सभी के मुंह से उठती है, और फिर भी तुम मुंह में नकली खुशबू बसा रहे हो। ये तुम दूसरे को धोखा दे रहे हो या अपने आप को दे रहे हो। और फिर ऐसे ही रिश्ते टूटते हैं, बड़ी निराशा आती है, झटका लग जाता है। शुरू शुरू में तो दांत चमका के और कुल्ला मंजन करके और लिस्टरीन डाल के पहुंचते थे, फिर जब रिश्ता जम गया तो एक दिन ऐसे ही पहुंच गए ओनियन डोसा खा के, और बोले प्रियतमा चुंबन। ये प्रियतमा अगर उस क्षण के बाद भी देह भाव में जिए तो ये नरक की अधिकारी है, इसका पूरा हक है कि इसको नरक ही मिले। जिसे जगना होगा, जिसे चेतना होगा, वो उस क्षण में जग जाएगी, कहेगी ये है असलियत। सिद्धार्थ राजकुमार के साथ हुआ था ऐसा, उनके पिता को कुछ ऋषियों ने आगाह करा था कि आपका बेटा सन्यासी निकल सकता है, कुछ देखे होंगे उसके लक्षण। तो पिता ने बड़ा बंदोबस्त किया, उसको कभी दुख महसूस ना होने दें, उसके लिए भोग विलास के सब साधन इकट्ठे कर दिए, और राज्य की जो सुंदर सुंदर लड़कियां थीं उनको बुलाते और कहते ये मेरे बेटे के साथ रहो, दोस्ती करो, राग रंग हो, नाच गाना हो। कहानी है, जानता नहीं, कहानी है कि एक रात ऐसे ही देर तक चला नाच गाना, मदिरा इत्यादि भी रही होगी, तो जितनी लड़कियां आई थी उनकी शायद सिद्धार्थ ने भी पी होगी, सब अपना बेहोश पड़े हैं। बहुत देर रात, करीब करीब भोर, अचानक सिद्धार्थ की नींद खुली, होश आया, और वो सब रूपसी सुंदरियां अव्वल नंबर की, उनको बुलाया गया था, अब वो सब बेहोश ढुलकी पड़ी थी।
और मैं कल्पना कर रहा हूं कि सिद्धार्थ ने बिल्कुल फटी फटी आंखों से देखा होगा उनको कि कहां गया इनका रूप, किसी का पूरा काजल और जो कुछ भी मुंह पे मल रखा है, चौक खड़िया वो सब धुला हुआ है, किसी के मुंह से लार बह रही है, किसी के सुंदर कपड़े वगैरह अस्त व्यस्त हो गए हैं तो वो और बदसूरत लग रही है उत्तेजक लगने की जगह, कोई मुंह फाड़े पड़ी हुई है बेहोशी में, कोई खर्राटे मार रही है, किसी ने इतनी पी ली है कि उसने उल्टी उल्टी कर दी हो, अपनी ही उल्टी में लतपत पड़ी है। वमन करके सिद्धार्थ ने ये सब देखा। ठीक, अगर ये है रूप की असलियत तो नहीं चाहिए रूप। रूप भी तभी सुहाता है जब बड़ी तैयारी करके आता है। सब पुरुषों के लिए निश्चित होना चाहिए कि स्त्रियों के ब्यूटी पार्लर में कम से कम 3 महीने काम करें, यह व्यवस्था बननी चाहिए। जाके देखो तो कि जिस रूप यौवन के पीछे तुम इतने पागल रहते हो उसकी हकीकत क्या है। जितने फल और सब्जियां रसोई में नहीं पाए जाते उससे ज्यादा मुंह पे मले जा रहे हैं। दुनिया भर के रसायन देह पर घिसे जा रहे हैं, भौहें नोची जा रही हैं, बाल नोचे जा रहे हैं, बाल रंगे जा रहे हैं, मोम रगड़ा जा रहा है और चीख पुकार भी मची हुई है, हाय 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 हाय, आंसू भी निकल रहे हैं, पर यह कार्यक्रम होना जरूरी है ताकि देह आकर्षक प्रतीत हो सके। जिसने इस व्यापार को देख लिया, मुझे बताओ अब वो देह को कीमत कैसे देगा।